नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ नॉलेज कुमार। अभी मैं उपस्थित हूं रक्सौल आश्रम रोड में, और हमारे साथ उपस्थित हैं जो कि जाने माने एक्टिविस्ट हैं। सर, आपका बीआरजे टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? नूरुल्ला खान मेरा नाम हुआ। सर, एक ठो जो है अद्भुत नारा सुनने को मिल रहा है जो कि ग्रीन रक्सौल और क्लीन रक्सौल। क्या आपको ग्रीन रक्सौल और क्लीन रक्सौल कहीं पर दिखाई दे रहा है? ये नारा चुराया हुआ नारा है। 2007 में मेरी पत्नी इस वार्ड से जहां बैठे हैं पार्षद चुनी गई थी, उस समय ओम प्रकाश गुप्ता जी नगर परिषद में चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने ये नारा गढ़ा था कि ग्रीन रक्सौल क्लीन रक्सौल, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक रक्सौल न क्लीन हुआ न ग्रीन हुआ। रक्सौल एक गर्दो गुब्बार धूल धक्कड़ के लिए जाना माना एक भारत नेपाल प्रवेश का एक प्रमुख मार्ग है, और जब बरसात होता है तो यह कीचड़ में तब्दील हो जाने वाला एक शहर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ना यह क्लीन है ना ग्रीन है। हाँ, राजनेताओं का जरूर क्लीन और ग्रीन होता है, ये मैं कह सकता हूँ। और विधायक जी जो सर बोले हैं कि रक्सौल मेन रोड जो है चांदनी चौक बना देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? विधायक जी का कथन तो बिल्कुल हास्यास्पद है, इस पर हंसा जाए जितना उतना कम है। विधायक जी की इतनी औकात नहीं है। विधायक जी सिंबल के विधायक हैं, और उनके पास वो लोगों को ठगने के लिए बता सकते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री से मिलने में उनको समय लग जाएगा। वो भले डींगे भगाड़ते हों कि मुख्यमंत्री जी के मैं बहुत करीब हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जितने भी सिंबल के विधायक हैं, जिनको सिंबल देकर चुनाव ऊपर के दुकानदार लोग जिताते हैं, वो लोग ऐसे विधायकों को भाव नहीं देते हैं। दूसरी बात जहाँ हो गई कि ये चांदनी चौक की बात, आपके पास कैमरा है और आप यहाँ उपस्थित हैं, चलिए मेन रोड में कैमरा घुमा दीजिए। चांदनी चौक तो नहीं बना, चांदनी झील जरूर बन गया है। वहाँ पे भी कोड़ कर वहाँ पे मिट्टी को हटा दिया गया है। इन लोगों के पास ना कोई विजन है ना कोई सोच है। और विधायक जी से मेरा अनुरोध होगा कि आप बड़बोलापन कम करें, पहले काम करके दिखा दें, उसके बाद उस पर कुछ बोलें। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, मैं आपकी क्षमता को जानता हूँ और आपके पूर्व का इतिहास को भी जानता हूँ। इसलिए कृपया करके, पूर्व के प्रतिनिधियों ने तो लोगों को ठगा बेवकूफ़ बनाया, आप उस परिपाटी पर नहीं चलें। आपसे जनता को बहुत उम्मीदें हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ विधायक जी का चांदनी झील का नज़ारा। ये रक्सौल नेपाल प्रवेश का प्रमुख मार्ग है, एक तरफ अतिक्रमण से किस तरह से सिकुड़ गया है। इन लोगों के पास जो ये संघी लोग हैं, इन सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि निर्माण कार्य को कैसे युद्ध स्तर पर करना है। इस सड़क की कितनी प्राथमिकता है इन लोगों को मालूम नहीं है। ये लोग कछुए की गति से चलने वाले लोग हैं। इसके पूर्व तांतिया जो था वो इन लोगों को इतना दिन रुलाया, इतना दिन सताया, उसके बाद भाग गया। फिर उसी प्रकार का ठेकेदार लोग चुन कर लाते हैं भारी कमीशन के एवज में, और ये लोग का जब तक सेटिंग नहीं होगा तब तक कोई निर्माण कार्य बढ़िया से नहीं होने जा रहा है। इसलिए रक्सौल के लोगों को जगना होगा। रक्सौल के लोग जब तक नैरेटिव में फंस कर वोट देते रहेंगे, परिणाम यही होते रहेंगे, आपके लोग मारे जाते रहेंगे और आपको इसी तरह का रोड नसीब होगा। आप देखिए, विधायक जी ने कहा था कि मैं रक्सौल को चांदनी चौक में तब्दील कर दूँगा। चांदनी चौक तो नहीं तब्दील हुआ, देखिए यहाँ पर चांदनी झील जरूर बन गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस रोड को तोड़कर घटिया स्तर पर छोड़ दिया गया है। निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, एक भी मजदूर नहीं है, वो काम ठप है और आवागमन भी ठप है और लोग परेशानियों में इतर हैं। आइए, यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन लोग से भी कोई जो भी भावना है हम जानते हैं, जानने के प्रयास करेंगे। इतना बारिश हो रहा है और जो भी मेन रोड को विधायक जी ने बोले हैं कि चांदनी चौक बनाने के लिए, और चांदनी चौक बना नहीं मगर चांदनी झील आपको दिखाई दे रहा है कि चांदनी झील बन चुका है, आप उस पर क्या कहेंगे? ये तो इतना जाम लग जाता है, हम लोग रिक्शा वाला को इतना परेशानी हो रहा है, और ये जाम कम से कम आज दिन भर जाम है, और जब से ही बना है कम से कम एक महीना लग गया है वहाँ से यहाँ तक ये काम करते हुए, और आधा मतलब समझ लीजिए कि रिक्शा कभी पलट जाता है, मोटरसाइकिल पलट जाता है, किसी गाड़ी में छुप जाता है, बहुत दशा होता है यहाँ पे, पूरा पानी भरा हुआ है।